डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ऑनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पज, नो बर्ड और एनी एनिमल वेयर हार्म इन दिस वीडियो, वी नॉट प्रमोट एनी इलीगल और बैन बर्ड इन इंडियन मार्केट। हेलो बर्ड लवर, तो कैसे आप लोग, इस वीडियो में हम लोग बजीज के ऊपर बात करने वाले हैं। जो भी बर्ड्स लवर या फिर पैट लवर होते हैं उनका सबसे पहला जो फेवरेट बर्ड होता है या फिर फेवरेट पैट होता है वो बजीज होता है। जो भी लोग होते हैं जो कि अपने पेट्स की शौक स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले बजीज लाते हैं अपने घर में। बजीज इतना मोस्ट पॉपुलर बर्ड, इतना फेमस और इतना फेवरेट बर्ड सबका क्यों है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो बजीज किसी एक स्पेसिफिक कारण की वजह से इतना फेमस नहीं है, इसकी काफ़ी अलग अलग विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये इतना फेमस है, तो उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में जानेंगे, छोटे वीडियो में ही सारी चीज़ें जान लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेन कारण है बजीज आर चीप। हाँ, बजीज जो होते हैं जो प्राइस के हिसाब से थोड़े से चीप होते हैं, चीप मतलब सस्ते होते हैं, ये मतलब नहीं कि थोड़े खराब होते हैं, खराब का मतलब ये नहीं कहना चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि इनकी प्राइस कम होती है। जो भी अपने पेट लवर या फिर बर्ड लवर होते हैं वो अपने सबसे ज़्यादा जो प्यार होता है अपने पेट्स में से सबसे ज़्यादा बजीज को करते हैं। ये चीप होते हैं, इसका मतलब ये कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है, इसे खरीद सकता है। ये बजीज आपको 500 से लगाए 1000 रुपये तक, अगर हाई मीटर्स में जाते हो तो 5000 के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बजीज मिल जाते हैं। नॉर्मली आप 500 वाले बजीज भी रख सकते हो, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये उसका पहला मेन कारण है। नाउ जो दूसरा मेन कारण है, बजीज कैन टॉक। हाँ, बहुत सारे लोग तो ये जानते भी नहीं है कि बजीज बातें भी कर सकते हैं, इंसानी भाषा भी बोल सकते हैं। बजीज को अगर आप अच्छे तरीके से टेम करते हो, मतलब ट्रेन करते हो, या फिर आप बजीज को अच्छे तरीके से टेम कर देते हो, उसे आप ह्यूमन भाषा मतलब इंसानी भाषा सिखाते हो, तो अराउंड 200 से 300 वर्ड्स तक बोल सकता है। आप उसे कुछ भी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, आप कुछ भी उसको सिखा सकते हो अपने हिसाब से। आप जो भी उसे बुलवाना चाहते हो आप उसे बुलवा सकते हो, हाय हेलो हाउ आर यू, आप कुछ भी उसे बुलवा सकते हो, आप उसे टेम कर सकते हो अच्छी तरीके से। तीसरा मेन कारण है बजीज आर इन मेनी कलर, बजीज आर कलरफुल। तो जो भी लोग कोई भी अगर बर्ड्स लेता है तो अधिकतर जो सभी स्पेसिस के बर्ड्स होते हैं वो एक कलर में आते हैं, बट बजीज जो होता है वो मेनी कलर्स में आता है। तो लोग अपने मनपसंद के हिसाब से कोई भी अपने कलर के हिसाब से जो भी उनका फेवरेट कलर हो वो उस कलर के हिसाब से भी बजीज परचेस करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेन कारण है कि बजीज लोग इतना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि बजीज बहुत सारे कलर में होते हैं और वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ऐसे ऐसे कलर्स में। तो जो फोर्थ टॉपिक है वो जान के आपको बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि बजीज आर लीगल इन इंडिया एज अ पेट। बजीज को आप एक पेट के जैसे घर में रख सकते हो, ये इंडियन गवर्नमेंट के तरीके से लीगल है, आप बजीज को रख सकते हो। क्योंकि जो भी अधिकतर पेट या बर्ड लवर होते हैं वो डरते हैं कोई भी पेट या बर्ड्स रखने में घर में, कि वो इंडियन गवर्नमेंट में बैन है कि नहीं है, जैसे कि आपका तोता हो गया, मैना हो गया, गौरैया हो गई, जो भी सारी बर्ड्स हैं जो वाइल्ड लाइफ में पाई जाती है वो सब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से बैन है। बट ये जो बजीज है ये फॉरेन कंट्री की बर्ड है, इसलिए वो इंडिया में लीगल है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। According to PashudanPrahari.com, but exotic birds such as budgerigars and cockatoos are allowed to be kept as pets. It is common for people to keep parrots as pets, but this is illegal, as is keeping minas and finches that are trapped from the wild and sold in markets. तो जो अपना फिफ्थ टॉपिक है, बजीज आर इजी टू टेम। बजीज को आप बहुत ही आसानी तरीके से मतलब एज कम्पेयर टू दूसरे बर्ड्स, दूसरे पेट के हिसाब से आप बजीज को बहुत ही इजी वे में टेम मतलब आप उसको सिखा सकते हो कुछ भी। आप उसको हैंड टेम कर सकते हो, हाथ पर बैठा सकते हो, आप ह्यूमन फ्रेंडली बना सकते हो, वो आपके साथ खेलेगा, वो आपको बाइट नहीं करेगा अगर आप उसे सिखाओगे बचपन से ही, तो वो आपके हाथ से खाना खाएगा, आपके पास बुलाने पर आपके पास वो उड़कर चला आएगा। आप उसे बहुत ही इजी वे में आप उसको टेम कर सकते हो। तो बजीज की टेम ट्यूटोरियल वीडियो भी मैं लेके आने वाला हूँ उस चैनल पर बहुत जल्दी, तो आप वीडियो को लाइक और को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो जो अपना सिक्स्थ टॉपिक है वो है कि बजीज आर इन मेनी वैरायटी। हाँ, ये भी एक बहुत ही मेन कारण है। जो बहुत सारे लोगों को छोटे वाले बजीज पसंद होते हैं वो मतलब कम पैसे के भी होते हैं, थोड़े से चीप होते हैं। जो थोड़े बड़े वाले बजीज होते हैं और उनको थोड़े से मतलब वो 1000, 1200, 1500 के आते हैं। क्रस्टेड जो कि बटरफ्लाई बजीज हम लोग बोलते हैं वो आपके 4000, 5000 के आते हैं। तो बजीज कुछ वैरायटीज में भी होते हैं जो कि काफ़ी सुंदर लगते हैं, हाई वैरायटी वाले। तो मैं आपको कुछ एक आध बजीज दिखा भी देता हूँ इस वीडियो में। तो ये जो है हम लोग इसको किंग बजीज बुलाते हैं, और इस वाले बजीज को हम लोग बटरफ्लाई बजीज बुलाते हैं, और इस वाले बजीज को हम लोग रैम्बो बजीज बुलाते हैं क्योंकि इसका काफ़ी कलर है। और ये जो अपना नॉर्मल बजीज जो कि हर जगह मिल जाता है, तो इस वीडियो में जो भी मैंने नाम बताया आपको इन बजीज के, इस नाम के अलावा भी आप कई नाम से बुलाया जाता है, तो आप कन्फ्यूज ना होइएगा। नॉर्मली इन बजीज को इस नाम से भी बुलाया जाता है, और भी कोई कई नाम रखता है इस बजीज के, तो उन नाम से भी इन बजीज को बुलाया जाता है। इसके साथ ही साथ बजीज लोग इसलिए भी रखते हैं क्योंकि एज कम्पेयर टू दूसरे बर्ड्स के बजीज बहुत ही इजी तरीके से आप इसका केयर कर सकते हो। इन्हें बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं, इन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से केयर कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से रख सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, मतलब खाते हैं लेकिन कुछ चुनिंदा दाने खाते हैं और कुछ सॉफ्ट फूड में खा लेते हैं। बजीज के बारे में अगर आपको बहुत सारी नॉलेज नहीं है तो मैंने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, जिससे आपको उस बजीज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग तो ये जान लिया कि बजीज लोग क्यों इतना प्रेफर करते हैं और आपको भी बजीज क्यों रखना चाहिए। अगर आपको बजीज लाना है तो ये जानने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ होगा ये वीडियो देखने के बाद। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।